नहीं अच्छा वैसे आज देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमारी ड्रेस की मैचिंग हो रही है नाजीन आपको बताती कि भरपूर कोशिश की हस्तैन ने के जैसी मैं लग रही हूँ वो अच्छे मतलब अच्छी लग रही हूँ ना तो बहुत कोशिश की हस्तैन ने शायद वो भी अच्छे लगे मेरे जैसा रंग पहन के लगे हाँ, पूछ आप पूछ ले आप क्या लग रहे हैं मौसम बड़ा अच्छा है ऊपर से आ रही है

चले जी आगे बढ़ते हैं, क्या इरादा है जी आगे बढ़ते हैं और मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है आ, जो खातन है आ, नहीं मतलब कि मेरे पास अच्छा, आप लोगों के लिए खातन अच्छा, के लिए और स्पेशली जो खत स्टूडेंट्स हैं खातन टीचर्स हैं और मेरा ख्याल है कि ये खबर सुन के निमरा आप भी कोशिश ये करेंगी कि वापस से मास्टर्स में एडमिशन ले लिया जाए लेना है मैंने अच्छा आपको हाँ, लेना है तो, तो फिर जो खातन स्टूडेंट खातन स्टूडेंट्स के लिए खातन टीचर्स के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो फेडरल की बस सर्विस है उसको एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया है और पिंक बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानब से और इस पिंक बस सर्विस को मुतारफ़ करवाया जाएगा तकरीबन सात अगस्त को और सात अगस्त के बाद ये इस्लामाबाद के जितने भी बड़े शहर हैं बड़ी जगह हैं कारोबारी मराक़ज़ हैं Good. बड़े स्टॉप्स हैं उनमें ये पिंक बस सर्विस स्टार्ट होगी और उसमें इस्ता आप उठा सकते हैं आप अगर स्टूडेंट हैं आप ये देखिए पिंक बस सर्विस की आपको विजुअल्स भी नज़र आ रहे होंगे मेरा ख्याल यही पिंक बस सर्विस थी जो कल आप मुझे नोटिफाई करवा रही थी hmm. कि ये ये क्या है वो मेरा ख्याल है कि इसकी कौन सी क्या कहते होते हैं अभी टेस्ट किया जा रहा था। अभी टेस्ट किया टेस्ट किया जा किया था। जा जा रहा रहा था था खैर ये अच्छी बात है ने वजी शहबाज शरीफ की भी जो हिदयात है उन पर यह शुरू की गई और ये सर्विस दारुल हुकूमत के तमाम अहम रास्तों पर चलाई जाएगी इस इकदाम का मकसद लड़कियों की तालीम और खातन को बाख्तियार बनाना है वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में उसके लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये सर्विस मुफ्त भी होगी फिर महफूज ट्रांसपोर्ट अच्छा अक्सर आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट को इस तरह की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज अनाउंस करती है

जिसका आपने भी जिक्र किया कि इसकी मुसलसल निगरानी की जाएगी ताकि इसकी जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाया जा सके ये तो अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है आपके लिए या फिर जो खेलों के शौकीन हैं या जो खेल देखना पसंद करते हैं खासतौर पर स्कॉश पाकिस्तानी स्कॉश खिलाड़ी हुसैफा शाहिद की शानदार कामयाबी की खबर है जी खिलाड़ी, शायद ने में अंडर का लिया। साथ ही पाकिस्तानी स्कॉश खिलाड़ी हुसैफा इकबाल ने भी ऑस्ट्रेलिया में बीगा ओपन स्कॉश के फाइनल में कामयाबी हासिल कर कोई और हुफा शाहिद ने फाइनल में हांगकॉन्ग के विंग हॉकियो को छह ग्यारह आठ ग्यारह और चार ग्यारह के स्कोर से शिकस्त दी उजैफा शाहिद के हवाले से निमरा आपको बताता चलूँ कि इससे कबल ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में भी अंडर थर्टीन के ये टाइटल जीत चुके हैं और एशियन जूनियर स्कॉश चैम्पियनशिप के अंडर थर्टीन कैटेगरी में सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं गुड वेरी गुड हुफा शाह शाहिद सॉरी आपको मुबारक हो और ये अच्छी खबरें है शुरू शुरू में जब हम शेयर कर रहे थे नाजीन के साथ तो वो चेहरे हमारे भी खिलखिला उठते हैं अच्छा <laughs> लेकिन एक, एक और बात एक और बात एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये हसनैन वो आपके साथ शेयर करती है चलो की दुनिया भर में रोजाना लाखों की तादाद में स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो स्मार्टफोन हो रहे होते हैं आजकल आप देखें बल्कि आप किसी खेती बाड़ी बाड़ी करने वाले को देखेंगे तो उसके हाथ में भी जो फोन हो शायद वो किसी नहीं वो बाड़ी करते हुए ना साथ साथ वीडियो देख रहा होता है टिकटॉक पे देख रहा होता है कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम चल रहे होगा सब कुछ हो रहा होता है तो मतलब स्मार्टफोन आजकल खासतौर पर हर

सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है और दरहीकत दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले तीन स्मार्टफोन्स जो है वो तीनों के तीनों ही आईफोन की 15 सीरीज जो है उसके हैं काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट है जी जिसके मुताबिक अप्रैल से जून 2024 के दौरान दुनिया में के आईफोन 15 का मार्केट शेयर uh, uh, के साथ दूसरा नंबर आईफोन 15 फिफ्टीन uh, प्रो मैक्स के हिस्से में आया जबकि उसके बाद क्या हुआ गया जी हाँ इसके अलावा 3.1 पॉइंट का मार्केट शेयर आईफोन 15 uh, जो कि तीसरे नंबर पे है। सो ये अगर आप हाँ। देखा जाए तो आईफोन सबसे पहले नंबर पे है फिर आईफोन 15 आई फोन फिफ्टी नंबर पे है प्रो मैक्स दूसरे नंबर पे है और 15 प्रो तीसरे नंबर पे है सो ये जितनी भी चीज़ें हैं आईफोन के जो यूजर्स हैं ये बता रही है कि दुनिया में बहुत ज्यादा बर्ड है और वैसे अगर देखा जाए तो आईफोन एक सोल कंपेटिटर है और एंड्रॉयड में तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलते हैं सैमसंग से लेके कहाँ कहाँ तक जाते हैं लेकिन एप्पल इस वक्त स्टैंड आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस कह सकते हैं या फिर स्टेटस सिंबल कह सकते हैं वो बन चुका है हाँ, सिंबल बन चुका है कि भाई क्वालिटी का है ना तो वो जो भी शख्स अब नया फोन लेने का सोचते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जरूर आईफोन की तरफ जाते हैं exactly. और ये रिपोर्ट जो है वो उसको जाहिर भी करिए अच्छा जी एक और खबर हम आपके साथ शेयर करते चलें सऊदी अरब के मुस्तबिल की, की आ, जो है उन्होंने एक नई तर्ज का पंद्रह नए आ, स्टेडियम्स बनाने का इंकशाफ किया सऊदी अरब ने एक दिहाई बाद होने वाले वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पंद्रह डिस्टोपियन तर्ज की ये स्टेडियम्स जो है वो बनाने का इंकशाफ किया जो कि टू थाउजेंड वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे और इन स्टेडियम में से एक जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब ये नई तर्ज के स्टेडियम बनने जा रहे हैं बिल्कुल है और एक में दी लाइन पर वाक्य है ये पंद्रह स्टेडिय, स्टेडियम चार शहरों रियाज जद्दा अलखबर और अभा के साथ साथ जेर तमीर तरक्याती मनसूबे लाइन में वाक़ है और फीफा इस दिसंबर में सऊदी अरब को दो हज़ार चौंतीस वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तस्दीक करने वाली है क्योंकि इस इवेंट के लिए सऊदी अरब वाद बोली दहिंदा है सो सऊदी अरब भी कतर के बाद उनको भी शौक़ आया कि वो किसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप हाँ, की मेजबानी करें और वो मेजबानी करने जा रहे हैं एक तरह से अच्छी बात है कि मुसलमान की अरब तरफ इसका जाना और मे भी हसनैन हो सकता है कि फ्यूचर में कभी हम ये कहें कि पाकिस्तान भी मेजबानी करने जाए पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर सकता कि हम काफी ज्यादा पीछे हैं फाइनेंशियली लेकिन हा, 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 थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपने में उम्मीद और, कर आपके लिए मैं बताता हूँ जिससे आपने मुसलमान मालिक की बात की जी एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं यूम एस्तसाल कश्मीर रैली नायब वजी में साखदार खिताब कर रहे थे आपने सुना और जैसे आज देख भी सकते हैं कि 2019 को जो ज्यादती और ज़ुल्म और बरबेत की एक और मिसाल भारत ने कायम की थी उसके असरा आज तक हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं जो कि इंतहा गलत है यहाँ पर अकाम मतदा और पूरी दुनिया का बल किरदार बनता है चले जी इस सब पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ ही रहना